अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से शहर के दुकानदारों की आमदनी आसमान छू रही है। रामनगरी आने वाले श्रद्धालु अपने साथ कोई ना कोई धार्मिक चीज यादगार के तौर पर ले जाना चाहते हैं। ऐसे में कारोबारियों की तो चांदी है। श्रद्धालुओं का कहना है कि वे अयोध्या की अपनी यादों को संजोए रखना चाहते हैं। यहाँ पे राम जी के साथ दर्शन करने आए हैं, पूजा कर लिया, बस अब घूमना है, देखना है, पीना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा राम मंदिर का दर्शन करके। हाँ, ये तस्वीर भी लिया है। माँ को घर पे रखेंगे, पूजा करेंगे, देखेंगे। हाँ, बहुत भीड़ है, बस देख लिया, अब और भी देखना है, घूमना है। ऐसा जैसे सब दर्शन करने के लिए आते हैं तो वो सब खरीदारी तो करते ही है, बिक्री बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, हम भी खरीदारी करेंगे। खरीदारी करने के लिए घूम रहे हैं। अयोध्या नगरी बहुत अच्छी लग रही है, राम जी की जन्मभूमि बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए तो पूरे देश विश्व के लोग आ रहे हैं, वर्ल्ड का लोग आ रहे हैं। अयोध्या के दुकानदारों के मुताबिक जोश से भरे राम भक्त हर दिन करोड़ों रुपए की तस्वीरें और मूर्तियां खरीद रहे हैं। राम लला के स्थापित होने के बाद अयोध्या में राम जी से रिलेटेड वस्तु का बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसमें से फोटो है, राम मंदिर मॉडल है, अन्य प्रकार की वस्तुएं, बिक्री बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ी। जब से राम लला स्थापित हुए हैं राम मंदिर, तब से करोड़ों रुपए का व्यापार अयोध्या के व्यापारियों ने किया। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को लुभाने के लिए दुकानदारों के पास भगवान श्री राम की तस्वीरों और मूर्तियों के अलावा फ्रिज मैग्नेट, झुमके, बैज और कई दूसरे सामान मौजूद हैं। तस्वीर के लिए इंसेंस ये देखा जाए, राम लला जी अगर देखा जाए तो हम लोगों के आराध्य हैं और हम लोगों से काफी पुराने से जुड़े हुए हैं। तो भगवान को हर लोग अपने हर चीजों में ले जाना चाहते हैं, अपने स्मृति में बसाना चाहते हैं। तो चाहे वो मैग्नेट्स हों, चाहे वो की रिंग्स हों, चाहे वो आपके फोटोज हों, तो अपने अपने चीज़ों में उनको ऐड करना चाहते हैं। एक सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़ी, इस वजह से राम जी के फोटोज वगैरह की डिमांड ज़्यादा बढ़ी। लोगों का कहना है कि श्री राम मंदिर के उद्घाटन ने अयोध्या में न सिर्फ कारोबार और नौकरी के मौके बढ़ाए हैं, बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद की है।